हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फन ब्लॉगर में। आज मैं आपको बताऊंगा इस एलईडी को रिपेयर करने के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस एलईडी को रिप्लेस करके दूसरी एलईडी लगा दो, या फिर इसकी जगह को रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको रिप्लेस करें तो किस चीज से करें और इस पर क्या मतलब कैसे सिस्टम को फिक्स करें वापस से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये ऊपर का बोर्ड खराब है या पूरा नीचे का सिस्टम जो यहाँ पे लगा होता है ट्रांजिस्टर और जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह लगे होते हैं वो खराब है। उसको चेक करना पड़ेगा पहले। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको पहले लाइट में लगाना है, ठीक है। आपका लाइट के लगाने के अंदर ये थोड़ी थोड़ी जल रही है, ठीक है, और नीचे का जो सेक्शन है वो बिल्कुल सही है। अभी देखो ये कुछ कुछ ग्लो हो रही है और इसमें से एक एलईडी जो है ये ब्लैक पड़ी हुई है बीच में से, मतलब ये खराब है ये एलईडी। इसको निकाल के वैसे दूसरी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको दूसरी नहीं लगानी, इसके अंदर दूसरा बोर्ड फिट करना है। तो दूसरा बोर्ड कहाँ से आपको मिलेगा, देखो ये आप बाजार में जाओगे तो आपको इस प्रकार की एलईडी मिल जाएगी, बहुत सारी मिलेगी। ये लगभग 50-60 रुपए की मिल जाती है, लगभग ये होती है 10 इंच के आसपास की, ठीक है, ये इतने आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें एक छोटा सा पीस मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अभी करना क्या है, ये देखो इस साइड है ये पॉजिटिव साइड है, ये साइड है जो नेगेटिव साइड है। अभी करना क्या है, मैं इसको बीच में से अलग कर दूंगा प्रत्येक को। तो अलग करने के लिए मेरे पास ये आरी है, इससे मैं इसको अलग कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो एलईडी है बीच में से इनके कनेक्शन हट चुके हैं, मतलब ये अब सीधी नहीं रही है। अभी तीन एलईडी का एक सेटअप है, तीन एक का ये और तीन का ये। तो अभी करना क्या है, इस साइड इसका पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव ये है, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव इस जो एलईडी में पॉजिटिव का वायर है ये वाला रेड वाला, इसको इस साइड में जोड़ देंगे ऊपर कॉर्नर में, और फिर इसका नेगेटिव है इसके नेगेटिव को इसके ऊपर पॉजिटिव के साथ शॉर्ट कर देंगे यहाँ से जम्पर मार के, ठीक है। और इसका फिर यहाँ से आते हुए यहाँ पे नेगेटिव है, इसके नेगेटिव को इधर यहाँ पे जम्पर मार के शॉर्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पे बचेगा नेगेटिव, तो इसमें जो ब्लैक वायर है वो इसके साथ जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्डरिंग करना बिना किसी देरी के। पहले इनको थोड़ा साफ कर लेते हैं इधर से ताकि कनेक्शन हमको दिख जाए अच्छे से। कोई और सिस्टम ले लेता हूँ। एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा। ये गलत को छील दिया दोस्तों, इसको छीलना ना, कोई बात नहीं। अभी देखिए यहाँ से यहाँ पे कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी से इसको। तो पहले हम इस पे सोल्डर लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देख लो ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीनों अलग हो चुकी है। अभी मेरे पास सोल्डरिंग के लिए जम्पर के लिए ये वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप कोई सा भी अच्छा वायर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इस प्रकार जंपरिंग कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, इसका फिर पॉजिटिव है और नीचे आ गया, इसके नेगेटिव जुड़ गया, इसका फिर ऊपर गया पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसके नेगेटिव में जुड़ गया, यहाँ पे इसका पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन अब इस एलईडी में करके आपको चला के दिखाते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं इसके ऊपर से। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इस पे से हटा लिया है, अभी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का वायर यहाँ पे जोड़ देते हैं इसके साथ में ऐसे। ये नेगेटिव लग चुका है, अभी पॉजिटिव के लिए मेरे को एक वायर और एक्सटेंड करना पड़ेगा लगता है, नेगेटिव के लिए भी करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे रह गए थोड़े। कोई बात नहीं, अभी एक मिनट आपको जला के दिखा देते हैं, पहले बाद में करेंगे इसका कनेक्शन। तो दोस्तों ये इसके साथ लगा देते हैं पॉजिटिव को यहाँ पे, और इसको फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है। अभी कनेक्शन आप देख सकते हो पॉजिटिव इधर आ चुका है, नेगेटिव नीचे लग चुका है और ये इधर जम्पर है। अब इसको जलाते हैं।
दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से जल रही है। अभी मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो बंद हो रही है, ये जल रही है, ये बंद हो रही है। अभी मैंने इसमें तीन ही क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसमें देखो इसमें नोई एलईडी है, इसमें भी मैंने नोई एलईडी यूज़ की है। तो इससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो ये जलेगी सही से नहीं, और कम यूज़ करोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी इसकी तरह। और इसमें साथ में ये बीच में रेजिस्टेंस भी लगे हैं तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा लंबा ये बैकअप देगी। तो इसके कनेक्शन मैं सही से अच्छे से प्रॉपर तरीके से करके फिर आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो जल्दी से कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार इसके कनेक्शन कर लिए। देखो बीच में इसमें छेद किया और ये नेगेटिव यहाँ पे है, ऊपर का इसका नेगेटिव यहाँ है, ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव को यहाँ पे जम्पर करके यहाँ पे ले आया, इसका इधर से होते हुए ऊपर आया, ऊपर से होते हुए फिर यहाँ पे नीचे जम्पर कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ दिया, यहाँ पे ये नेगेटिव जुड़ गया। अभी इसको मैं जलाता हूँ तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी आपको दिख रही है इसमें। ये देखिए अब इस पर इसका ढक्कन लगा देते हैं। ये देखो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको बंद कर ही देता, बंद नहीं हो रहा। ये देखो तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।